हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ न्यू टॉपिक। माय नेम इज अब्दुल सादिक। एज यू नो दैट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, मोर एजुकेशन वीडियोस, लाइक फॉर इंकरेजमेंट एंड डिस्क्राइब अस। सो नाउ लेट्स कम ऑन आर न्यू टॉपिक, जिसे आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो है मौर्योत्तरकालीन कला। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको बिल्कुल भी मेहनत ना करें, आप अपनी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए, जिससे हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे, और आप बिना मेहनत करें आप अपनी पीडीएफ सोल की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। बिना देर किए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसे मौर्योत्तरकालीन कला के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं कुछ मौर्योत्तरकालीन कला के बारे में। क्या था मौर्योत्तरकाल? मौर्योत्तरकाल मौर्य वंश के पतन से लेकर गुप्त वंश काल के अनुभद्य तक काल माना जाता है। इस काल के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, परंतु मुख्य रूप से यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं थीं। मौर्योत्तरकालीन कला क्या थी? मौर्योत्तरकालीन कला जानते हैं इस टॉपिक पे। इस काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में अभी उल्लेख प्रगति हुई है। मौर्योत्तर काल भी कला की निम्नलिखित विशेषता है। इस काल की कला संरचनात्मक थी, अर्थात ये विहारों और मंदिरों के अगर भागों की वास्तुशिल्प संरचनाएं थी। इस काल में बहुत सारे मंदिर और शिल्प काल का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इसमें बहुत सारे नए नए मंदिर बने, और मुख्य रूप से यह कला आख्यानात्मक भी थी, जिसमें देवी और देवताओं और देवी प्राणियों से संबंधित मिथक और दंत कथाओं का वर्णन मिलता है, और इसमें चिन्हों एवं प्रतीकों का उपयोग किया गया। मौर्योत्तरकालीन कला को राजकीय और शाही थी, किंतु मौर्योत्तर काल का अजमाना और प्रतिबंध करने वाली कला थी। इसकी प्रकृति धार्मिक बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जी हाँ दोस्तों, जो मौर्योत्तर काल था वो धार्मिक धर्म के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। कहा जाता है कि आरंभिक ब्राह्मण पंथी परस्कार निर्मित मंदिर और मूर्तिकला भी इसकी अवधि है। इसके बाद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में दे रखा है चतुर्भुज विष्णु और कृष्ण बलराम एकांशा तथा शिवलिंग आदि की पसरत निर्मित इन अनेक मूर्तियां उभार अनेक स्थान से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज हम कृष्ण बलराम और शिवलिंग देखते हैं, तो उस तरह से वो हमें मौर्योत्तर काल से प्राप्त हुए हैं। ज्यादातर इसका योगदान मौर्योत्तर काल को दिया जाता है, और उदाहरण से इसके बाद अनेक रिक्त पश्चिमी घाटों तथा तो भजनासिक कालो और बेदास जैसे स्थलों और शैल कट्टरकारों बनाई गई गुफाएं मिलती हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप खुद पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैं आता हूँ, पहली और पांचवी सदी से तक गंगाधर संप्रदाय को नीले स्त्रित प्रस्तार और बाद में चुनने का प्लास्तार उपयोग करता था। इसकी विषय वस्तु भारतीय बौद्ध थी, लेकिन इसकी शैली ग्रीक रोमन प्रभाव को दर्शाती थी। इसकी जो शैली ली गई थी वो ग्रीक और रोमन लैंग्वेज से ली गई थी। उसके बाद मथुरा संप्रदाय कृष्ण शासन में पल्लवित पुरफित हुआ। स्थानीय काल चित कब्रे बालुक शकम और उपभोग इसकी खास विशेषताएं थी। बौद्ध और वैश्वानिक मूर्तियां स्पष्ट रूप से शैली में थी। जी हाँ दोस्तों, इसे शायद मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो जितना भी मुझसे एक्सप्लेन हुआ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो फिर भी मेरे मोटिवेशन के वीडियो को लाइक करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, जिससे मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू।